मॉड्यूल 133 ट्रीटमेंट ऑफ पी फार्माकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल थेरेपी सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर मोस्टली जो है वो एंटी डिप्रेसेंट यूज़ की जाती हैं बिकॉज दैट हेल्प हेल्प्स टू सबसाइड द सिम्टम्स ऑफ द पी डी अगेन एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो साइकेट्रेस जो है वो ही प्रिस्क्राइब करेगा इफ़ द चाइल्ड रिक्वायर्ड दैट थिंग दैन वी विल डिसकस अबाउट द बिहेवियर थेरेपी ओके बिहेवियर थेरेपी के अंदर देर आर डिफरेंट टेक्नीस विच वी कैन यूज़ लेकिन हम जिस चीज़ को यूज कर, करेंगे या डिस्कस करेंगे आज दैट इज अबाउट द एक्सपोय एक्सपोजर डज नॉट मीन कि हम आ, उस इवेंट को दोबारा से एक्सपोज करा सकते हैं उसको नहीं हम वो नहीं करा सकते क्योंकि तो event, आ, एक तो इवेंट एक दफ़ा हुआ वह ख़त्म हो गया ठीक है दूसरी चीज़ ये कि अगर हम उस इवेंट को एक्सपोज कराने की कोशिश करेंगे तो इट माइट बी के जो बच्चा है वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए तो आपने जो काम करना है वो ये करना है कि एक्सपोयर आपने यूज़ करना है उन आ, फियर्स के लिए जो कि इन रिस्पॉन्स टू दैट ट्रोमेटिक इवेंट डेवलप हो गए हैं अब वो किस तरह मिसाल के तौर पर बच्चा जो है वो स्कूल जाने से अवॉइड करना शुरू हो गया तो आपने उसकी उस अवॉइडेंस के ऊपर काम करना है ठीक है यानी अगर बच्चे के साथ आ, कोई इंसिडेंट हुआ उसको फिज़िकली अब्यूज़ किया गया है स्कूल के अंदर तो अब वो स्कूल नहीं जा रहा ठीक है और ना वो उस स्कूल में जा रहा है ना वो किसी और स्कूल में जा रहा है तो आपने जो इसका ये फियर है उसके ऊपर काम करके इसको रिड्यूस करना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता उन सिचुएशन से ग्रेजुअली एक्सपोज कराना है इसी तरह एक्सपोजर के दौरान आप उसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं ताकि जो उसकी एनजाइटीज़ हैं वो लोयर डाउन हो सके इसके साथ साथ अगर आप ये देख रहे हैं कि बच्चा आ, बच्चे के साथ अगर किसी ने सेक्शुअल एब्यूज़ किया है और उसकी वजह से वो फैमिली में ही किसी से नहीं मिलना चाह रहा तो आप क्या करोगे आप इस तरह करोगे कि आप उसको एक्सपोज कराओगे डिफरेंट उन फैमिली मेंबर्स के साथ जिसके साथ वो सिक्योर uh, फील करता है ठीक है और फिर आहिस्ता आहिस्ता uh, उसकी जो बहरार की आप बना लोगे कि उसके बाद वो किसके साथ ईजी uh, फील करता है तो आप उसके साथ उसको जो है इंटरेक्ट कराओगे दैट थिंग इज़ लाइक मस्ट बी डन इन अ सिक्योर थेरापटिक सेशन और आप उसको uh, जब वहाँ पर वो कम्फर्टेबल फील करेगा फिर हम उसे जो है Uh, वो प्रैक्टिकली इन लाइफ में उसको कहेंगे कि वो बाकी लोगों से भी इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट करे। मेन वाइल उसकी जो इन्जाइटीज़ हैं उसको हैंडल करने के लिए आप उसे डीप ब्रीदिंग सिखा सकते हो जिसके अंदर आप उसे कहोगे कि वो एक गहरा लंबा सांस ले थोड़ी देर जिस बॉडी में रोके पेट के अंदर और फिर उसके बाद वो मुंह से उसे खारिज कर दे इसी तरह आप उसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखा सकते हो ये हेल्प करेगी कि अगर उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर टेंशन जो है वो फ़ील होना शुरू हो गई है तो वो उसमें उसको रिलैक्स कर सके ठीक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में हम बॉडी के जो आ, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर पहले स्ट्रेचिंग डेवलप करते हैं और फिर उनको हम रिलैक्स करना शुरू करवाते हैं तो इस आ, की हेल्प से जो उसकी बॉडी के अंदर अगर कोई फिजिकल एक सेंटेंस भी वो रिपोर्ट कर रहा है तो वो भी जो है उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं तो इन सारी तरीक़ों को हम इस्तेमाल करते हुए काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि जो बच्चे के वो एसोसिएटेड फियर्स हैं जो इन रिज़ल्ट ऑफ ट्रामेटिक इवेंट डेवलप हो गए हैं हम उनके ऊपर काम कर सकें थैंक यू